अगर आप बाहर से पीनट बटर लेके आते हो ना, तो वो 250-300 रुपये का पड़ता है, और 350-400 ग्राम आप आधी कीमत में ज़्यादा क्वांटिटी बना सकते हो। और इनफैक्ट जो बाहर वाला है उसमें प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स इतने सारे होते हैं जो मुझे तो पसंद नहीं। अब सिंस मुझे पता है कि मैंने कैसे बनाना है, तो मैं तो घर पे ही बनाता हूँ पीनट बटर। एंड इनफैक्ट पीनट बटर इज सच अ ब्लेसिंग फॉर जिम फ्रीक्स और फिटनेस फ्रीक्स की प्री वर्कआउट मील पीनट बटर, प्रोटीन पैक्स स्प्रेड चाहिए पीनट बटर, और क्या नहीं है पीनट बटर, तो सारी चीज़ें इंक्लूडेड पीनट बटर हम बना रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ दो तरह के पीनट बटर, एक चंकी पीनट बटर एंड एक चॉकलेटी पीनट बटर। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल, मैं हूं जसप्रीत आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह के पीनट बटर, एक चंकी पीनट बटर एंड एक चॉकलेटी पीनट बटर। तो पीनट बटर बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची मूंगफली, और उनको ड्राई रोस्ट करेंगे एक गरम पैन में। ये पीनट्स हमारी रोस्ट हो चुके हैं, इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब पीनट्स को एक किचन टॉवल में डाल के इनको क्रश करेंगे ताकि इनके छिलके उतर जाए। इनको ऐसे छीलने के बाद एक टॉवल में ऐसे छान भी लेंगे। अब ये ऐसे लैडल से छानना बहुत इजी हो जाता है, सारे छिलके निकल जाते हैं और सिर्फ पीनट पीनट आ जाती है हमारे पास। अब ये पीनट्स छीलने के बाद हम डाल देंगे एक फूड प्रोसेसर में। वैसे आप बनाना चाहें तो आप किसी भी मिक्सी जार में भी बना सकते हैं, बट फूड प्रोसेसर में एक तो ब्लेंडिंग अच्छी होती है एंड सेकेंडली फास्टर प्रोसेस होता है, तो इसीलिए फूड प्रोसेसर में अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब वैसे मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी नट्स ग्राइंड करें तो पल्स दें, मतलब थोड़ा थोड़ा पीसें और उसके बाद रुक जाएं, फिर पीसें, फिर रुक जाएं, ऐसे पीसना है। बट सिंस हमने बटर निकालना है पीनट का, तो हम अच्छी तरह फुल स्पीड पे पीसेंगे। अब जो चंकी वाला है उसके लिए इस स्टेज पे थोड़े से पीनट्स निकाल लीजिए। अब आप अगर नीचे नीचे देखें तो बटर बनना स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़े से ग्राइंडेड पीनट निकाल ली है, बाकी की अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंडिंग दोबारा से स्टार्ट। जब ये पेस्टी पेस्टी सा होने लग जाए, मतलब बटर बनने लग जाए, तब हम डालेंगे हनी, हनी या शुगर, इनमें से कोई भी चीज डाल सकते हैं, मैं दोनों डालूंगा ताकि स्वीटनेस सी आ जाए। थोड़ी शुगर एंड थोड़ा ऑयल भी, ताकि ब्लेंडिंग में हेल्प हो जाए। आप चाहें तो ऑयल अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको हेल्दी वर्जन बनाना है ऑयल अवॉइड कर सकते हैं, वैसे तो ये भी हेल्दी वर्जन है, बस ये है कि अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो ब्लेंडिंग में ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपने झटपट बनाना है तो ऑयल डाल लीजिए। तो ये चंकी पीनट बटर बन चुका है, अब इसको निकालते हैं, थोड़ा सा चंकी निकाल लेंगे और उसके बाद बनाएंगे चॉकलेटी पीनट बटर। अब चॉकलेटी पीनट बटर बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके साथ कोको पाउडर। अगर अनस्वीटेंड कोको पाउडर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया, वो वाला ले लीजिए। अब इसको देंगे ब्लेंड। तो ये चॉकलेटी पीनट बटर भी डन है। अब इसको लगाएंगे मल्टीग्रेन ब्रेड की स्लाइसेस पे और फिर करते हैं सर्व, मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब पीनट बटर बनाना मैंने आपके लिए कर दिया आसान, सिंप्लीफाई कर दिया,
और सिर्फ 4 से 5 इंग्रेडिएंट, जिनसे 2 तरह के पीनट बटर बन जाएंगे, क्रंची एंड चॉकलेटी पीनट बटर। रेसिपी आपके पास है, मेरा प्री वर्कआउट मील बन चुका है, तो आप रेसिपी ट्राई करो, फोटो डालो इंस्टाग्राम पे और हमें टैग करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग। मैं ये खा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, आप बनाओ जल्दी जल्दी, और मैं जिम जा रहा हूँ, बना के फ़ोटो डाल देना, ठीक है जी।